नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महिला डॉक्टर बुजुर्ग का इलाज करके अपने घर जाने के लिए सोसाइटी की लिफ्ट में घुसी। लिफ्ट में डिलीवरी करने वाले युवक की नियत बिगड़ी और उसने लिफ्ट में ही डॉक्टर के साथ छेड़खानी करने की कोशिश की। महाराष्ट्र के ठाणे के डोंबिवली में एक महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी करने का मामला सामने आया है। डॉक्टर एक डोंबिवली सोसाइटी में बुजुर्ग का इलाज करने के लिए गई हुई थी। लौटते समय सोसाइटी में ही फूड डिलीवरी करने गए एक युवक ने डॉक्टर के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। डॉक्टर बुजुर्ग का इलाज करके रात 8 बजे लिफ्ट से आ रही थी, उसी दौरान डिलीवरी करने वाले युवक ने इस घटना को अंजाम। महिला डॉक्टर ने युवक के खिलाफ मनपदा थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। डॉक्टर के साथ इस तरह की घटना होने के बाद पूरी सोसाइटी में रह रहे लोग डिलीवरी बॉय की इस हरकत से हैरान है। लिफ्ट में की छेड़खानी। डोंबिवली ईस्ट इलाके में महिला डॉक्टर कुछ समय से बुजुर्ग की फिजियोथेरेपी करने के लिए जाती थी। रोज की तरह घटना वाली रात भी वह काम करके वापस लौट रही थी। घर जाने के लिए वह लिफ्ट में घुसी। सातवीं मंजिल से जब वह छठी मंजिल पर आई तो डिलीवरी करने वाला युवक लिफ्ट में घुसा। महिला डॉक्टर को लिफ्ट में अकेला देखकर उसने छेड़खानी करनी शुरू की। लिफ्ट में डॉक्टर के साथ की गई छेड़खानी के बाद उसने डिलीवरी करने वाले युवक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन युवक ने डॉक्टर को जोरदार धक्का मारा और वहां से भाग गया। महिला डॉक्टर से हुई छेड़खानी के बाद सोसाइटी में हड़कंप मचा हुआ है। इस घटना के बाद महिला डॉक्टर ने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। महिला डॉक्टर के साथ छेड़खानी करने वाले युवक की तलाश जारी है। पहले पुलिस ने सोसाइटी की सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुट गई ताकि छेड़खानी करने वाले युवक को पहचाना जा सके। पुलिस ने डॉक्टर को आश्वासन दिया है कि वह जल्दी उसे गिरफ्तार कर लेंगे। छेड़खानी करने वाला युवक किसी जानी मानी कंपनी में काम करता है। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।